So, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूट्रल ग्लैम और अ न्यू ग्लैम मेकअप लुक जो कि आप किसी भी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं स्किन like, टोन पे बहुत सुंदर लगने वाला है सो या यू कैन सी दिस लुक जो मैंने अचीव किया है एंड मैंने इसके लिए यूज किया है मेरा न्यू पैलेट हुडा ब्यूटी का uh, रेट्रो ग्रेड मर्करी रेट्रो ग्रेड पैलेट जो मैंने रिसेंटली बाय किया गया इस so, सो उससे मैंने ये लुक क्रिएट किया है ना आई होप आपको ये लुक पसंद आएगा आप कैसे अचीव कर सकते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं न्यूड मेकअप लुक में बहुत ही बेसिक है आपको थोड़े से शेड्स लेने हैं जो कि न्यूड शेड पे हों या वार्म शेड्स पे हों एंड देन दैट्स इट और कैसे कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने यहाँ पर पीचीजाफा इनर कॉर्नर में पीची लिया है एंड में ब्राउन यूज़ किया है ओके okay, सो so यहाँ पे बाकी जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं लाइक मेक बेस के लिए आईब्रोज के लिए सारे लिप्स के लिए लिप्स पे मैंने यहाँ पे नायका की मिनी लिपस्टिक ओके अभी नहीं मिल रही है लिपस्टिक लिपस्टिक नायका की शेड मद्रास अ वेरी ब्यूटीफुल शेड यू कैन सी राइट नाउ ने वेयर किया है uh, तो या yeah, इट अगर आपको ये लुक देखना है कि आप कैसे एक न्यूट्रल ग्लैम लुक क्रिएट कर सकते हैं और मैंने कैसे क्रिएट किया है और ये लुक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल है तो वो जरूर चेक कर लीजिएगा एंड अब बढ़ते हैं अपने मेकअप लो की तरफ लेट्स गेट स्टार्ट तो यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज पहने हैं जिसकी वजह से थोड़े बहुत यू नो वाटराइज हो जाती हैं तो उसको क्लीन अप कर रही हूँ मैं और टिशू की हेल्प से उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइजर से जो मेरा हमेशा का एक पहला स्टेप होता है मैंने यहाँ पर न्यूट्रीडम का वाइटमिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन मॉइस्चराइजर लिया है जो कि मैं अपने मेकअप से पहले लगाती हूँ और अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट का ब्लर ट्यून जी हाँ तो ये आपके पोज को आपके फेस को थोड़ा ब्लर आउट कर देता है जिसकी वजह से फेस काफ़ी स्मूथ लगता है तो हम हमेशा आई मेकअप में स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर मैंने मिलानी का कंसीलर यूज़ किया है और ब्लेंड कर लिया उसे ओके नेक्स्ट उसे सेट कर लिया तो लूज़ पाउडर लेना है कोई भी लूज पाउडर या कॉम्पैक्स है तो यहाँ मैंने ये न्यू पैलेट यूज़ कर रही हूँ ये मेरे बर्थडे गिफ्ट में मुझे मिला था न्यू न्यू पैलेट है ये हुडा ब्यूटी का उसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड जो है काफ़ी न्यूट्रल है एवरी डे थ मेकअप अगर आप कर रहे हो न्यूट्रलाइज़ कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा है तो डार्क ब्राउन शेड को इस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ आउट ऑफ व्यू पर फोकस करते हुए एंड मैं यहाँ पे जो ब्रशेस यूज़ करती हूँ वो कप्स एंड लैशेज एक्सटाइल के हैं यानी मेरे एंड कप्स एंड लैशज के कलेबोरेशन uh, के ब्रशेज़ हैं आई ब्रशेज दे आर अमेजिंग आउटस्टैंडिंग आईज ओके सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ये हुडा ब्यूटी का रेट्रोग्रेड पैलेट मरकुरी uh, का मरकुरी रेट्रोग और उसमें से मैंने ये लाइट शेड लिया है ओके okay, तो हमें अगर कोई ग्रेडिएशन चाहिए तो लाइट डार्क टू लाइट मतलब अंदर लाइट और बाहर डार्क तो यहाँ पे मैं पीछी साफ शेड मैंने पिक किया है उसी सेम पैलेट में से एंड जहाँ पे मैंने कोई भी शेड अप्लाई नहीं किया था मैं वहाँ लगा रही हूँ उसके बाद हल्का सा बिल्कुल हल्का सा शीन देने के लिए आप देख सकते हो बहुत ही लाइट मतलब ये ऑप्शनल है अपने मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है न्यूड में आप पीछी न्यूड जा सकते हो पिंक न्यूड जा सकते हो न्यूड में न्यूड बिल्कुल जा सकते हो यू नो ब्राउन न्यूड जा सकते हो आपके ऊपर है तो मैंने यहाँ पीछी न्यूड कोशिश की है क्रिएट करने के लिए तो उसके बाद यहाँ डार्क कलर जो है उसकी हेल्प से आप इस तरीके से जैसे आप लाइनर लगाते हो हल्का हल्का लैश लाइन ये क्लोज अप्लाई कर लो और मेरा भी करंट फेवरेट जो मस्कारा है वो है ये बेनिफिट्स का दे आर रियल मैगनन मस्कारा बहुत अमेजिंग है बहुत अच्छे लैशेस को लिफ्ट करता है कोट करता है सो so मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ओके देन ऑफ कैमरा ट्राई करना है तो आप कर सकते हो वैसे मैंने यहाँ पे फॉल्सिस अप्लाई किए एंड यू कैन सी मैजिक बिल्कुल जी हाँ फॉल्सीज़ के बाद आपकी आईज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, way, मैं हैं अच्छा बाय द वे मैंने यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट लेंसेज वे किए हैं अगैन मेरे फेवरेट ब्रांड हैं ओ लेंस की तरफ से हैं इन द शेड स्पेनिश स्काई जी हाँ ऑरेंज करेक्टर लगा लिया फट 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 ये ज़रूरी है अगर डार्कनेस है या पिगमेंटेशन है तो इसको ज़रूर लगा लें उसके बाद मैं यहाँ मैक का ये फिक्स एंड फ्लूड फाउंडेशन इन द शेड एन सी ट्वेंटी फाइव जो मेरा शेड है उसे अप्लाई कर रही हूँ और इस तरीके से मैं स्पंज की हेल्प से डैप डैप करके अप्लाई कर लेती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए वैसे ये फाउंडेशन मीडियम टू लो कवरेज वाला फाउंडेशन है इट्स नॉट अ हाई हाई कवरेज वाला फाउंडेशन तो जी हाँ अब उसके बाद सेम कंसीलर जो है मेरा मिलानी का उसे लगाया है इस तरीके से आपको लगाना है तो मुझे मेकअप की वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है आपके लिए भी और ख़ुद के लिए भी और मुझे इस तरीके के जो कि वेरेबल मेकअप हो उस टाइप की वीडियोस का कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैंने वही तरीका ट्राई किया है कि कुछ जो कि वेरेबल है यू नो पीची न्यूट्रल लुक ओके सेम जो शेड ब्राउन शेड था जो मेरे आउटर व्यू पर मैंने लगाया था क्रीज़ पर उसे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से ले रही हूँ और अगेन ये जो ब्रशेज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कप्स एंड लैशेज़ एक्शास्टेज और कप्स एंड लैशेज़ की खुद के ब्रांड के हैं फिर मैंने यहाँ पे एक शिमरी पिंक पर्पली शेड लिया है जिसे मैं कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ बहुत आई स्टैंड आउट हो जाती है ना आप लैशेज भी देख सकते हो लोअर लैशज में मैंने सिर्फ ये कोट किया है मस्कारा जो कि रियल मैगन मस्कारा है बेनिफिट्स का मिनी साइज़ अवेलेबल है ये वन uh, हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ में मिनी साइज़ अवेलेबल है आई थिंक सो या नायका पे ओके तो क्लिनिक का हाइलाइटिंग स्टिक है जो मैंने लगाया है वैसे हमेशा कोशिश करें पाउडर के ऊपर ना लगाएं। अदरवाइज़ ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आती है ब्लश मैंने यहाँ पे नोट का यूज़ किया है नया ब्लश है काफ़ी टाइम पुराना है बट मेरे मैं नए टाइम पे यूज़ कर रही हूँ ब्राउजर के लिए आप समझ गए होंगे मैंने कौन सा यूज़ किया इट्स अ होला ब्राउज़र बाय बेनिफिट्स साइज़ है ओके तो बेसिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी मैं बता दूंगी मैं यहाँ पे न्यूड पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मिलाने की और बहुत अच्छी लगती है मुझे ये नायका की है ये लिपस्टिक इन द शेड ओ वि शेड इज दिस टोटली फॉरगेट तो गाइज यहाँ पे मैं मैक का माइक्रो फिनिश सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ वाओ दिस इज़ सो गुड दिस इज़ द फाइनल लुक लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा ये न्यूट्रल लुक लिपस्टिक का लिंक ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और गाय से ये था मेरा न्यू ग्लैम मेकअप लुक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है दिस इज द फाइनल लुक आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा बहुत इजी है बट but... स्टेप्स हैं इसमें ओके okay? सो so, आप इस तरीके का लुक अगर डे यू नो एवरीडे में भी करना चाहें तो कर सकते हैं बस आइज को थोड़ा सा और सेटल रखना है आपको इट्स वेरी इजी एंड ट्रस्ट में ये बहुत सुंदर लगता है अगर आप ऐसा कुछ लुक क्रिएट कर रहे हैं इंस्पायर होकर तो मेक श्योर sure मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर टैग करिएगा मेरा इंस्टा हैंडल है शाइस्टेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मैंशन भी कर दूंगी एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उनकी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है तो या मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कैसा मेकअप लुक देखें है बट मुझे आजकल न्यूड मेकअप लुक बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये पीछे ऑफ ऑफर न्यूट्रल ग्लैम लुक शेयर करूं वही so, yeah, मैंने शेयर किया आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक स्टे ग